बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बीफ पुलाव की रेसिपी आज आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले हमने ये मीट ले लिया है। मीट को हमने उसकी यखनी बनाने के लिए उसमें हमने सबसे पहले दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और साबुत मिर्च, काली मिर्च जो होती है वो ऐड की है। अल्हम्दुलिल्लाह यखनी रेडी हमारी हो गई है तकरीबन। और इसमें हमने इसको और गलाने के लिए, गोश्त को गलाने के लिए इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड किया और एक चम्मच दड़ा मिर्च ऐड की है। और ये हमने पेस्ट रेडी कर लिया था जिसमें हमने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है ये बीफ पुलाव में ऐड करेंगे। और टमाटर है और ये प्याज है। प्याज को इस शेप में आप काट लीजिएगा और जिसमें हमने चावल बनाने हैं उसमें हमने प्याज डाल दिया और उसमें ऑयल डालेंगे और इसको हम लाइट ब्राउन होने देंगे। जी देखिए हमारा माशाल्लाह से लाइट ब्राउन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमने वो पेस्ट, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स हमारी यखनी अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। ये देखें हमारा जो प्याज था वो अच्छे तरीके से बन गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और हमने इमली ऐड कर दी है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, अब ये जो हमने बीफ मसाला, बीफ पुलाव मसाला है ये, इसको हम दही में मिक्स करके ये जो हमने मसाला बनाया उसी के अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर सबसे पहले हम ये जो मीट है वो ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा मीट अच्छे तरीके से बन गया है, देखिए ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसमें वो जो हमने मिक्सर बनाया वो ऐड करेंगे। इसमें देखिए ज़बरदस्त लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स। ईद कैसी गुजर रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छी गुजर रही होगी। अल्लाह पाक सबको ढेरों हज़ारों खुशियाँ दे। अब हम देखें इसमें प्याज जो हमने लाइट ब्राउन किया था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। और टेस्ट को मज़ीद डेवलप करने के लिए हमने साबुत सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिए हैं। देखिए व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो मीट है वो अब ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, उसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसमें हमारे जो दो बॉयल थे यखनी के वो ऐड करेंगे। देखिए ज़बरदस्त है, मेरा तो वैसे दिल कर रहा है पीने को यखनी। और अल्हम्दुलिल्लाह अरोमा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है व्यूअर्स। आप भी इसको घर में बनाएं, पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, इसमें हमने 2 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया है और 1.5 टीस्पून हमने ज़ीरा ऐड किया है इसमें, और 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पिसी हुई वो ऐड कर दी है इसमें। और इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। अब इसमें हमने राइस ऐड कर दिए हैं। जी व्यूअर्स ये राइस हमने प्रॉपर ऐड कर दिए हैं और राइस का कलर देखें। और देखिए यखनी कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स राइस ने यखनी जो अच्छे तरीके से जज्ब कर ली है और इसका जायका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जायका इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त होगा। आप देखते जाइएगा। इसमें हम अब ये ज़रदा कलर ऐड कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है राइस में कलर। और इसकी गार्निशिंग के लिए हम इसमें हमने धनिया और पुदीना ऐड किया है, इसकी स्मेल अच्छी होती है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के बाद हमने दम जब निकाला है, देखें दम से निकालते ही चावल देखें ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते जाएँ, देखें ज़बरदस्त हैं और इसका अरोमा और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स ये थी हमारी बीफ पुलाव, यखनी वाला पुलाव है उसकी रेसिपी, जो अब मैंने कहा चले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। देखें ज़बरदस्त लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी गार्निशिंग चेक करें, प्रेजेंटेशन आप चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रायता है और ये कोई प्रमोशन नहीं है, वो हर घर में आपको पता होती है। जी व्यूअर्स इसी के साथ दीजिएगा मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और शेयर भी कीजिएगा और ईद की खुशियों को बांटें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।